दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, मतलब कि मुझे थोड़ा सा ठंडा पकड़ा हुआ है, खांसी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग फ़िलहाल अभी आए हुए हैं गांव पूर्णा पानी, क्योंकि कल हम लोग गए थे हॉकी देखने के लिए। राहुल केला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम हम लोग गए थे कल देखने के लिए हॉकी। तो रात को 11 बज गया, बहुत मज़ा आया हॉकी देखने में। तो रात को 11 बज गया, हम लोग आ गए इधर पूर्णा पानी। आज जाने वाले थे घर, लेकिन हम लोग ने छुट्टी ले लिया क्योंकि दीदी लोगों सब आए हैं। तो हम लोग बोले कि आज यहीं पर रहते हैं सब, तो इधर गांव आए हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना दोस्त लोगों ने आज नहीं मिला, तो उसको ना क्या करूँगा हो गया। तो वो बोला कि नहीं, मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है, घूमने तो नहीं मिलेगा मेरे को। तो बोला कि नहीं, मैं आज घर में कलर मारूंगा बोल के। तो उसका बाद में ना अभी ना वो घर में कलर मारने के लिए पूरा कलर वलर रेडी करके बैठे हुए हैं। सो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा हस्बैंड का काम कलर वाला। हम लोगों का घर में नया मिस्त्री मिला है, ये नया मिस्त्री कलर कर रहे हैं हम लोगों का घर का बाहर में। इधर बहुत दिन से मतलब प्लास्टर हुआ था, इधर कलर नहीं हुआ था। तो सो तुसा क्या कर रहे हो? कलर मार। आज तुमको कोई दोस्त उस नहीं मिला इसलिए? दोस्त तो है तो नहीं, वो तो तुम्हारा दूसरा ही दोस्त है ना। तो अच्छा से कलर रूलर मारना, और आज हम लोग सब इधर इंजॉय करेंगे। इधर हम लोगों का गाय का घर में, गाय नहीं है, किधर चले गया। कालू भी इधर बैठा हुआ है। सो इधर दीदी अभी नाश्ता खा के बाहर निकले हैं, पूड़ी और सब्जी। उनको भी आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं मौसम भी ऐसा हुआ है, पानी आएगा जैसा। ये तो हम लोग उनका पुराना घर है दोस्तों। और इधर चल रहा है कलर का काम। इतना बड़ा घर में कलर मारना मतलब बहुत टेंशन वाला काम है। सो इधर मेरे हस्बैंड मिस्त्री बने हुए हैं। तो दोस्तों, मैं अभी ऊपर आई हूँ, छत का ऊपर मैं आई हूँ। हम लोगों का छत है ये, बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है, मौसम थोड़ा ठंडा है। सो हम लोगों का इधर ना बैर बहुत सारा हुआ है दोस्तों। हम लोगों का बैर का गच्छ दोस्तों, इधर बहुत सारा बैर फला हुआ है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए इधर बाबू के लिए, ग्वाला का पास में। मैं और दीदी लोगों सब जा रहे हैं, दीदी लोगों आगे आगे चल रहे हैं। ये दोस्तों हम लोगों का गांव का इधर का बाहर का सीन है। ये हमारा गांव, इधर पानी पड़ने का जैसे मौसम हुआ है। घर सब भी इधर अच्छा अच्छा बन रहा है अंदर अंदर में। अभी तो गांव भी गांव जैसे नहीं लग रहा है, बड़ा बड़ा घर सब बन गया है। तो दोस्तों हम लोग इधर आए हैं दूध लेने के लिए। तो अंदर में हम लोग उनको दूध निकाल के दे रहे। तो इधर ना एक दुकान भी है। तो ये गांव है, तो दीदी लोगों का गांव है ना। तो दीदी लोगों बोल रहे हैं कि अभी पूरा चेंज हो गया बोल के। दीदी लोगों तो यहाँ नहीं रहते हैं ना आजकल। तो दीदी लोगों देख रही है अपना गांव को, पूरा चेंज हो गया, बता रही है कि यहाँ ये था, ये यहाँ था बोल के। मेरे को भी तो नहीं पता ना, इसलिए मुझे बता रही। तो यहाँ पर ना दोस्तों हाट लगता था, बाजार लगता था बोल रही है दीदी, लेकिन आजकल शायद नहीं लगता है। आजकल इधर हाट दोस्तों नहीं लगता है, ठंडा लग रहा है। शॉल पहन के हम लोग आए हैं इधर। दीदी लोगों अपना गाँव को निहाल रही है, मतलब देख रही है कि अभी कैसा हुआ है गांव बोल के। सो मुझे बता रही है, मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैं तो इधर नई नई हूँ। तो हम लोग दूध ले लिए हैं, तो जा रहे हैं अभी। उनका फूल भी हो गया है। तो इधर हम लोगों का मिस्त्री लोगों मार रहे कलर। सुसा थोड़ा अच्छा से कलर मारो। आ ऐसे हो रहा है काम हम लोगों का घर का। तो अभी इधर ऐसे काम हो रहा है, इधर बाड़ा क्या बोलते हैं इसको, बाड़ा बांट रहा, मतलब बांध रहा है। और उधर
देखिए दोनों बाप बेटा का मस्ती चल रहा है। देखिए और उधर भी आधा हो चुका है, नीचे नीचे नहीं मारा है। इधर बाड़ा बाट के रेडी हो गया, अभी इधर ये लोगों मारेगा कलर। एक जन धो रहा है बर्तन। बाबू बाबू बाड़ा धोखो बेटे, बाबू हाँ बाड़ा धोखो। अभी ये लोगों मार रहा है इधर चूना, ऊपर में चढ़ा हुआ है कलर मार रहा है। नया मिस्त्री ढूंढ के खोज खोज के लाए, नहीं मिल रहा था जबरदस्ती लाए। और उधर मिस्त्री का बेटा भी इधर काम कर रहा है अपना। सब लोगों का घर अभी हो रहा है कलर, फाइनल लुक दिखाएंगे थोड़ा देर के बाद। अभी हो गया है शाम और बाहर में कलर का काम अभी भी चल रहा है। तो मैंने अभी इधर मेरा देवर सुबह मार्केट गए थे तो वहाँ से कटहल लेके आए थे, तो मैं अभी बना रही हूँ इधर कटहल का सब्जी बना रही हूँ। दोस्तों टेस्टी लगता है। इधर कटहल काट के रखी हूँ, इधर मसाला भूजी हूँ। और दोस्तों एक चीज दिखाना चाहती हूँ मैं आप सबको, ये है ये सब ना गांव तरफ मिलता है, ये जिनर फूल बोलते हैं इसको। इसको ना चुन के इसको फिर सिजा के फिर मसाला उसला दे के इसको बनाते हैं। और एक चीज मैं देखी इधर, नया चीज मैं कभी भी नहीं देखी थी ये सब चीज। ये सब ये क्या है माँ? इटा कहाँ था? इटा को कौन थी? पुटकल। और इसको बोलते हैं दोस्तों पुटकल साग। मैं ना कभी भी नहीं देख रही, फर्स्ट टाइम इसको मैं देख रही हूँ। इसको कैसे बनाते हैं वो भी मुझे नहीं पता है। मेरे साथ बोल रही है कि खट्टा खट्टा लगता है ये बोल के इसको सीझा के शायद बनाते हैं। देखते हैं अगर हम लोग कल रहेंगे तो इसको हम लोग बना के खाएंगे, लेकिन कल तो हम लोग नहीं रहेंगे जैसे लग रहा है। गाँव तरफ आने से ना बहुत नया नया चीज़ सब देखने को मिलता है। सुबह मेरा देवर मार्केट गए थे तो मार्केट से सब लेके आए थे। तो अभी मैं बना रही हूँ कटहल का सब्जी, बाहर में काम चल रहा है तो मैं अभी बना रही हूँ फटाफट सब्जी को, फिर जाते हैं थोड़ा बाहर में क्या हो रहा है बोलते देखने। तो दोस्तों इधर मैं बना रही थी कटहल का सब्जी, ये भी मिल रहा है। इधर कटहल का सब्जी भी रेडी होने लगी। तो इधर ना मेरे सास धान को सिझा के रखी है और वह चावल को फिर इधर उष्णा चावल बना रही है, इसको सुखाई है। रात हो गया है, इधर मिस्त्री लोगों का काम अभी भी चल रहा है। थोड़ा ढिलाई वाला मिस्त्री है हम लोगों का मिस्त्री, सो सो के काम करता है। कैसा मिस्त्री लाए हम लोग खोज के क्या पता। ओ मिस्त्री भैया कैसा मिस्त्री हो आप, हाँ ऐसा काम कर दो, सुबह से काम करा दे एक तो दीवार पर रंग लगाने में। हाँ तो गाइस देखिए इधर ऐसे हो गया है घर का हालत। इधर रंग लग रहा है, इधर हम लोगों का अंधेरा में बड़ो दो गाय है हमारा। अरे मिस्त्री का कुछ भी काम नहीं है, सो फिर भी इतना काम कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। मैं जा रही हूँ अभी मेरा कटहल का सब्जी देखने के लिए दोस्तों। तो फाइनली कटहल का सब्जी रेडी हो गया। इधर मैंने बिठाया है भात, हम लोग खाएंगे कटहल का सब्जी और दाल भात। तो दोस्तों इधर रात का 8 बज चुका है और हमारा काम अभी भी जारी है। तो इतना इधर का हो गया है, काम तो चलता ही रहेगा। आज बेचारा मेरा पति बहुत थक गए हैं, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। थक भी गए होंगे आज तो, बहुत सारा आप काम किए हैं, अपना घर का काम करना चाहिए। और इधर हम लोगों का दादू जो है वो बना रहे हैं इधर कलर। इधर पूरा जोरों शोरों से तैयारी में है इधर दादू। और उधर हम लोगों का फ्लोरा इंडिया, हम लोगों का अनिल भैया गाना गा रहे हैं, उनको गाने दीजिए। सो घर का काम तो चलते रहेगा, तो घर का काम तो अभी और है और चल भी रहा है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।